हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स नेस्ट। मैं हूं गरिमा। कुछ बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि क्वांट को कैसे अटेम्प्ट करना है पीयू के मेंस एग्जाम्स में, उसकी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। सो हेयर आई एम विद द वीडियो। बट यू नो व्हाट, कि अगर आप प्रीलिम्स की एग्जाम स्ट्रैटेजी आप अटेम्प्टिंग की पूछेंगे क्वांट की, तो बहुत सारे लोग आपको एक्चुअली बता देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू मेंस, तो बहुत कम लोग आपको ये स्ट्रैटेजी बता पाएंगे, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। मेंस क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम होता है, आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, आप क्वेश्चंस पढ़ के अपने हिसाब से जो भी आपका स्ट्रांग या वीक चैप्टर है उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। सो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू टेल यू द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, लेकिन जो भी मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है मैं उसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो जो भी मैं शेयर करूंगी गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करके देखें। इट्स नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आपको सुटेबल लगती है स्ट्रैटेजी, आप जरूर उसे अपनाइए, अदरवाइज यू कैन गो विद योर ओन स्ट्रैटेजी। बट बिकॉज देयर आर ऑल्सो बिगनर्स वुड बी टेकिंग द मेन्स एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आपको थोड़ी बहुत इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। सो देखिए, दो माई क्वांट वॉज वेरी गुड, माई मैथ्स हैज बीन ऑलवेज एट अ गुड लेवल, लेकिन फिर भी मुझे IBPS एग्जाम्स में जो सबसे टफ सेक्शन लगता था, स्पेशली मेंस की बात की जाए, तो वो क्वांट ही लगता था। और ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है, बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली टफ, एंड जो भी कट ऑफ भी है वो काफ़ी लो जाता है। प्रीलिम्स में देखिए उतने लेवल क्वेश्चंस के हाई नहीं रहते हैं, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें। बट मेंस की बात की जाए तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू दी प्रीलिम्स। सो आपकी स्ट्रैटेजी भी उस हिसाब से ही रहनी चाहिए। ऑल्सो देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट देते आए हुए हैं मेन्स की, तो अभी तक आपने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी स्ट्रैटेजी बिल्ड की होगी। पता होगा आपको कौन से आपको टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट करने हैं, कौन से लेटर करने हैं। उसे भी आप अपनाते रहिए, एंड इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगी आप थोड़ा बहुत उसकी हेल्प से अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस ला सकते हैं। सो ऑल दोज हु हैव येट नॉट सब्सक्राइब्ड, आई वुड रिक्वेस्ट टू काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक वॉचिंग माई वीडियोज। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी हम जल्दी से मेन्स का एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, SBI PO का भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है मेंस का एग्जाम पैटर्न। द ओनली डिफरेंस इज SBI PO में सेक्शनल जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो नहीं होते हैं, और IBPS PO में होते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपसे बोला है कि प्रीलिम्स में जो है वो आप स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जाम यहाँ पे आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें बेसिक्स आपके काफी स्ट्रांग होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू PO मेंस एग्जाम्स। सो चलिए देखते हैं पैटर्न। सो यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को दिया गया है 60 मार्क्स एंड 35 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको 45 मिनट में। तो देखिए, यहाँ पे टाइम आपको सफिशियंट मिलेगा एक एक क्वेश्चंस अच्छे से देखने के लिए, समझने के लिए कि आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं। जबकि प्रीलिम्स में क्या था कि 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पे टाइम की कमी रहती है, इसलिए स्पीड पे ज्यादा ध्यान देना होता है। बट यहाँ पे आपको टाइम सफिशियंट मिल रहा है। ऑल्सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखें, तो 35 क्वेश्चन पे 60 मार्क्स अलॉटेड है, मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के भी होंगे, तो आपको उन क्वेश्चन को भी देखना है। मैं ये कहूंगी कि देखिए, 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी तो नहीं होंगे, अफकोर्स दे वुड बी डिफिकल्ट, बट माई सजेशन टू यू इज उनको देखे जरूर। क्योंकि होगा क्या, मान लीजिए 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, अगर आप 10 अटेम्प्ट करोगे तब आपको क्या है, 10 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को अगर आप 5 भी अटेम्प्ट करते हो तो भी 10 मार्क्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको कम करने पड़ेंगे, बट ऑफ कोर्स लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी डिफरेंट होगा, तो आप अकॉर्डिंगली जज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट माय सजेशन टू यू इज कि एक बार उन क्वेश्चंस को देखें जरूर जो 2 मार्क्स के हैं। और देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे जो सेक्शन का नाम है ये न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है, बल्कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। तो आप समझ ही सकते होंगे किस टॉपिक को ज्यादा यहाँ पे वेटेज दिया गया है। जी हाँ, ये है DI सबसे ज्यादा यहाँ पे वेटेज लेगा। सो आपको बहुत अच्छे से ये सेक्शन प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन द DI कॉन्सेप्ट। सो लेट्स मूव ऑनवर्ड्स टू द कट ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर्स। ये जनरल कैंडिडेट्स पे बेस्ड है, और ये PO मेंस का बस क्वांट का मैंने देखा है। 2018 में बस 4.5 गया था, क्योंकि पेपर काफी टफ था क्वांट का। 2019 में भी 5 गया था, 2020-21 में 11 गया था। मतलब यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो काफी डिफिकल्ट थे एज कम्पेयर टू 20-21 में। देखिए, अगर आपकी क्वांट अच्छी है, यू आर वेरी गुड इन क्वांट, सो ट्राई टू अटेम्प्ट, या फिर मैं ये कहूंगी 20 क्वेश्चंस आप अगर 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लेते हैं PO मेंस में, तो काफी अच्छा स्कोर है। बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर वेरी गुड इन क्वांट। ओके,
बट अगर आप एवरेज भी हैं तो ट्राई कीजिए 15 क्वेश्चंस आप 100% एक्यूरेसी के साथ करें, ताकि जो कट ऑफ है आपका क्लियर हो जाए, स्पेशली इन द केस ऑफ आईबीपीएस पीओ। वन थिंग मोर यू हैव टू नोटिस, देखिए यू कांट बी वेरी वीक व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जाम, क्योंकि अगर आप काफी वीक हैं किसी सेक्शन में तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू बी ईदर वेरी गुड और एवरेज इन दी सेक्शंस, तभी जाके आपका मेंस का जो है वो कट ऑफ क्लियर होंगे और आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है, पहले एटलीस्ट आप उसको एवरेज बनाइए ताकि आप मेंस क्लियर कर पाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखिए मैं थोड़ा बहुत आपको ये हिंट इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि आप अटेम्प्ट जब आप करने जा रहे हैं कोई सेक्शन, तो आपको थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे का भी पता होना चाहिए। सो दिस आई हैव टेकन 3 ईयर्स डेटा एंड आई हैव कंपेयर देम। तो देखिए जैसा मैंने आपको कहा ही, जो टॉपिक है, जो सेक्शन है, उसका नाम ही है डेटा एनालिसिस। ऑफ कोर्स डीआई होल्ड्स हियर मच वेटेज। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मोर देन 60-70% हियर इज डीआई, कहीं कहीं पे देखिए 90% से भी ज्यादा है, 95% से भी ज्यादा है। कुछ पता नहीं होता है किस साल डीआई का वेटेज बहुत ज्यादा हो जाए, किस साल कम हो जाए, बट ये मान के चलिए कि अराउंड 25 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट डीआई से आते ही हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर्स का थोड़ा कंपैरिजन लेके चलें तो। सो डीआई में अगर आप देखिए 2021 में 23-24 से 20 था, 2019 में बस एक क्वेश्चन नंबर सीरीज से था, बाकी सारे डीआई के ही थे, और 2018 में 15 क्वेश्चन। ऑल्सो मैं ये कहूंगी फ्रेंड्स कि आप जब कौन सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली मेंस के लिए, तो आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छा होना चाहिए। यू कान बी वीक इन अरिथमेटिक, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे यही इन्वॉल्व रहता है, डीआई या फिर आप डेटा सफिशिएंसी कह लीजिए, इसमें भी डीआई इन्वॉल्व है। आजकल क्वांटिटी बेस्ड जो है उसमें भी डीआई इन्वॉल्व है, और जो अरिथमेटिक के अलग से क्वेश्चन आते हैं इंडिविजुअल, वो तो प्योर बेस्ड होती है अरिथमेटिक पे। सो आपको अरिथमेटिक काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है व्हेन इट कम्स टू क्वांट सेक्शन। ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी क्विक इन कैलकुलेशन। वो कैसे आएगा, जब आप थोड़े बहुत शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जब आप क्यूब रूट आपको पता होगा या फिर स्क्वायर रूट पता होगा, और सारे टेबल्स आपको लर्न करने होंगे। तो ये सारा टेक्निक आपको प्रीलिम्स में भी इन्वॉल्व करना है ताकि आपकी स्पीड उससे बढ़े, और सेम आपको मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है कैलकुलेशन टेक्निक्स। सी डेटा सफिशिएंसी से 2021 में 3 आया था, अरिथमेटिक से 4-5 आया था, नंबर सीरीज से 2 थे, क्वांटिटी बेस्ड में 3 थे। अब देखिए क्वांटिटी बेस्ड में आपका अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं, और इसमें मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये क्वांटिटी बेस्ड जो है मिक्स्ड होता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और डेटा फिलर्स के 2018 में आया था, 400 डेटा फिलर्स भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। ऑल्सो फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी रीजनिंग या क्वांट अच्छी है, और एग्जाम में आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा, थ्रू आउट आपने मॉक में अच्छा परफॉर्म किया है क्वांट रीजनिंग में, बट अगर एग्जाम में आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टफ लग रहा है आपको पेपर, सो प्लीज डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। क्योंकि अगर आपका अच्छा है क्वांट, यू आर गुड एट क्वांट, सो हो सकता है पेपर ही टफ हो, एंड अगर आपके लिए टफ है सो बाकी लोगों के लिए भी वो टफ होगा, और कट ऑफ जो है उसी हिसाब से जाने वाली है, कट ऑफ लो जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, बहुत डिमोटिवेटेड हो गए, तो प्रेशर नहीं लेना है आपको, राइट? जो बन रहे हैं वो बनाइए आप, क्योंकि कट ऑफ उसी हिसाब से जाता है बेस्ड ऑन दी क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है आपको पेपर। सो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको एक बार पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आप 2 बार पढ़िए, आप 3 बार पढ़िए, बट आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाके क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर आप 15 भी अटेम्प्ट कर लेते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बट इफ यू आर वेरी गुड इन क्वांट, डू ट्राई टू अटेम्प्ट अबव 20, सो दैट आपका जो ओवरऑल स्कोर है, यहां से आप ज्यादा अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स ले पाओ उस पे। ऑल्सो जब मेंस की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े से टफ लेवल पे मिलेंगे, और बहुत डीप जाके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। सो थोड़ा सा आप अपने बेसिक्स पे फोकस कीजिए, और ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। सो फ्रेंड्स देखिए अगेन आई विल से कि ये सारी जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। इट्स नॉट कंपलसरी कि यू शुड ऑल्सो अटेम्प्ट द सेम स्ट्रेटेजी, रादर ये सारी जो स्ट्रेटेजी आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखिए, अगर द सेम गोज विथ यू सो ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई दीज, लेकिन अगर आपकी कुछ और स्ट्रेटेजी है, उससे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट। एज आई सेड मेंस में एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताना मुश्किल है, सबकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट सिंस बिगनर्स भी होंगे जो फर्स्ट टाइम जो मेंस देने वाले हैं, वो थोड़ा बहुत इससे टिप्स ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट में वो ट्राई कर सकते हैं ये सारी स्ट्रेटेजी। सो जो फर्स्ट है वो है आपको डीआई सॉल्व करना है। एज आई सेड मोर देन 70-80% इसका ही वेटेज होता है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक,
एंड आपको सबसे पहले डीआई अटेम्प्ट करना है। अब देखिए डीआई में केसलेट डीआई अभी आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, इसको आप बाद के लिए रखिए। ओनली दी सिंपल डीआई बेस्ड ऑन दी अरिथमेटिक या फिर नॉन अरिथमेटिक, वो सारे आपको अभी अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने पेपर स्टार्ट किया जो पहला डीआई आया आप उसी से शुरुआत कर दे रहे हो, ये नहीं करना है। आपके पास 45 मिनट है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो क्वेश्चंस। अभी तक मॉक टेस्ट देते देते आप अगर मेंस दे रहे हो आपकी प्रिपरेशन लेवल काफी अच्छी हो गई होगी। सो आपको देखना है आप किस डीआई में कंफर्टेबल हो। जैसे मुझे बार ग्राफ के जो डीआई होते थे वो इजी लगते थे, सो मैं सबसे पहले उनको ही अटेम्प्ट करने का सोचती थी। एक्सट्रैक्ट करना उनसे डेटा मुझे इजी लगता था, ठीक है। अगर आपको बार ग्राफ की जगह पाई चार्ट वाले इजी लगते हैं आप पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लो। ऑल्सो अगर आपको नॉन अरिथमेटिक जो डीआईज होते हैं वो इजी लगते हैं तो आप पहले उसे अटेम्प्ट कर लो। तो आपको खुद जज करना पड़ेगा आपको किस डीआई में आपका कंफर्ट जोन है और फिर आप डीआई उस हिसाब से अटेम्प्ट करोगे। ऑल्सो सारे डीआईज ज्यादा टफ नहीं होते हैं। मान लीजिए चार डीआई है तो दो तो बिल्कुल करने लायक होंगे, हो सकता है दो थोड़े से डिफिकल्ट हो, बट एनी वेज यू हैव टू अटेम्प्ट देम, यू हैव टू सी एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़िए आप, देखिए तो आप कर पाएंगे या नहीं। डीआई में देखिए जो डेटा है वो ग्राफ के थ्रू शो होता है, जस्ट दैट, ओके। यहां से आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है अपना जो भी इंफॉर्मेशन है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जितना ज्यादा आपका अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, जितने ज्यादा आप डेटा समझ पाएंगे ग्राफ में, उतने इजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आफ्टर डीआई यू कैन अटेम्प्ट डेटा सफिशियंसी या फिर क्वांटिटी बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और इन दोनों में से आपको जो भी इजी लगता है उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर आपको क्वांटिटी बेस्ड इजी लगता है पहले वो कर लीजिए फिर डेटा सफिशिएंसी कीजिए। इस वे में आपको खुद डिसाइड करना है आपका कौन सा कंफर्ट जोन है। ऑल्सो बहुत ज्यादा जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा डिले में आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आईबीपीएस पीओ की बात की जाए तो आपको कट ऑफ का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका एम होना चाहिए कि कट ऑफ के जो मार्क्स हैं वो आप सिक्योर कर लीजिए, फिर जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो आप कोशिश कीजिए गेन करने की। देन द नेक्स्ट अटेम्प्ट विच यू शुड डू इज दी नंबर सीरीज या वन लाइनर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े शॉर्ट होते हैं और थोड़े से जल्दी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। द फोर्थ वुड बी डिरेक्ट जो अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे डीप में जाके क्वेश्चन पूछेंगे, तो वन लाइनर के क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं अरिथमेटिक पे जो प्योर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन हैं उनको मिला के एक यहाँ पे बनाया जाता है, तो थोड़े से लंबे होंगे और थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। सो आप फिर अरिथमेटिक के जो डायरेक्ट बेस्ड है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ऑल्सो आप यहाँ पे आपका जो भी अरिथमेटिक में देखिए बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आपको डिसाइड करना है आपका कौन सा कंफर्ट जोन है। अगर आपको रेशियो के क्वेश्चन ईजी लगते हैं पहले वो उठा लो, अगर आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगते हैं इजी आप वो उठा लीजिए। सो आपको जज करना है आपका कौन सा कंफर्ट जोन है। और जैसे मैंने डीआई में भी बोला उसमें भी आपको यही देखना है कि जो भी बार ग्राफ लाइन चार्ट जो भी आपका बताया जा रहा है ग्राफिकल वे में, उसमें भी आपको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, मतलब वो रेशियो पे बेस्ड है, परसेंटेज पे बेस्ड है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो आपको डिसाइड करना है आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है और फिर आप उस डीआई को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो लास्ट जो आपको अटेम्प्ट करना होगा मेरे हिसाब से गाइज वो होगा केसलेट डीआई, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, थोड़ा क्या काफी टाइम टेकिंग लगता है मुझे। बिकॉज एक तो पूरा आपको लॉन्ग पैसेज टाइप पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पहले रीड करना पड़ेगा, फिर जाके आपको टेबल फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा डेटा, और फिर जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों जो पार्ट है इसका कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा ऑफकोर्स क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट मेन जो है वो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो प्लस होना शुरू करेंगे। सो यहाँ रीडिंग एंड टेबल मेकिंग में काफी टाइम इसमें लग जाता है, फिर आप कहीं क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मान लीजिए काफी टफ डीआई है और आपसे नहीं हुआ तो टोटल आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा डिले करके केसलेट डीआई कीजिए पहले, जो इजी इजी टॉपिक्स हैं। ऑफकोर्स मेंस में बहुत इजी कुछ भी नहीं होगा, बट जो भी आपको कंपैरेटिवली इजी लगे उनसे आप फेच कीजिए मार्क्स, क्योंकि कट ऑफ का भी ध्यान रखना है, और फिर लास्ट में केसलेट डीआई कीजिए। देखिए अगर आप मेंस की बात की जाए तो फुल में से फुल अटेम्प्ट बहुत मुश्किल है करना, मतलब 35 में से 35 आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सो जैसे मैंने कहा आप स्क्रॉल कीजिए, आप फाइंड कीजिए आपका कौन सा स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है और फिर उसे अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो बहुत क्लोज होंगे, क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है उनको भी पता है आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं और आप किस हिसाब से ऑप्शंस चूज करेंगे। सो इसीलिए पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए तभी अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। कोई गेस वर्क प्लीज मत करना मेंस में, क्योंकि ऐसे ही बहुत कम अटेम्प्ट हो पाता है, उसमें भी आप गेस मार्क्स करके नेगेटिव मार्किंग कर दोगे। तो आप देख ही रहे हो कट ऑफ कितना जाता है 5-4, तो आप समझ सकते हैं कितना टफ होता होगा पेपर्स की 5-4
आउट ऑफ 60 भी लाना लोगों के लिए मुश्किल होता है यहाँ पे. सो फ्रेंड्स, दीज वर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. अगेन आई से, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी हो आप कर सकते हैं उसे फॉलो. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप क्वांट पे भी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनाइए, सो आई थॉट कि उनको गाइड करने के लिए ये वीडियो जरूरी था. आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो बेस्ड ऑन द रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट, सो अगर आपने वो नहीं देखा है आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और उसे भी देख के थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू कंटेंट के साथ न्यू वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.